के अंदर है हम लोग, और यहाँ पे ये दिखा दो क्या महादेव, इक्कीसो महादेव। तो ये इक्कीसो महादेव मंदिर हम लोग आए हैं घूमने के लिए, और यहाँ पर जो है 21 महादेव कहाँ पे हैं वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हम लोग जाके बस वही महादेव को ढूंढने के लिए, ऐसे भी महादेव को ढूंढने के लिए तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती ही है, मेहनत करना पड़ रहा है हमें इतनी धूप में, जो कि चिलचिलाती धूप तो नहीं कह सकते क्योंकि आज का जो है गर्मी है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मी में महादेव को ढूंढने के लिए हम लोग निकले हैं कि इसको महादेव जो है कहाँ पे छिपे बैठे हैं, हम लोग उन्हें ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ पे हैं। ये जो पूरा एरिया है ये मंदिर का प्रांगण एरिया है, और अब इसके बाद ये जो है इंट्री गेट मंदिर का, और हम मंदिर के अंदर जाएंगे। तो ये अंदर एकदम मंदिर का एरिया है, बहुत सारा और
ये सही थी, यही मंदिर थी ना। नहीं, बाद में चप्पल डाल लेंगे, उधर ही जाके देख लेते हैं पहले। निकालना पड़ जाता है ना, नहीं होता वो एक मतलब लंबा टाइम जब हो जाता है ना, तो लंबे टाइम के बाद फिर स्क्रीन अपने खुद ऑन हो जाता है। इंडिकेट ही तो नहीं किया गया, शिवलिंग भी है, छोटा छोटा शिवलिंग भी बना हुआ है एक ही स्थान पे, तो पूरा यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी पता नहीं कितने कितने हैं। नदी कह सकते हैं क्या? मैं तो नहीं कह सकती क्योंकि मुझे ये संरेखा नदी किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है, ये मुझे जो है नाला दिख रहा है। पानी बहुत ही गंदा है, किसी भी एंगल से इसे नदी का नाम नहीं दिया जा सकता है। आदमी की जो भक्ति भावना है वो इसी जगह दिखती है कि यहाँ पे किसो महादेव हैं, उनकी पूजा।
करते हैं यहाँ पर, देखिए दिया भी जलाए हुए, पूजा करने के लिए भी आते हैं, लेकिन उसके बाद ही नदी की हालत देखकर हम क्या कहेंगे। मुझे तो लगता है ये कहेंगे कि ये कैसी भक्ति भावना है, पता नहीं। अगर ऐसी भक्ति भावना लोगों के मन में है तो ये ना हो वो अच्छा है। बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा है, चले हम लोग उधर का एरिया। कितना सुंदर है उधर का पूरा, उधर का जो वो पूरा एरिया है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा। वो नदी है क्या उसमें बीच में? वो भी नदी। हाँ, केसर पूरा वहाँ पे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। केसर का मखाना तो नहीं रहा। तो इस शिवलिंग में जो है कहा जा रहा है कि सांप भी है, तो शिवलिंग में सांप ना हो, अभी तक तो ऐसा नहीं देखे थे, लेकिन हाँ इस शिवलिंग में सांप थे, पता नहीं जाते हैं। भोले बाबा को छोड़ देते हैं कि आप यहाँ पे हैं। देखिए कितना गंदा है। हाँ, गंदगी तो काफी है, गंदगी बहुत ज्यादा है, इतनी गंदगी होनी नहीं चाहिए। बहुत ही खूबसूरत स्थान है। जो एरिया आप देखते हैं, ये पूरा एरिया जो सनरेखा नदी का है, जो कि अब तो सूख चुकी है।
विचार दिया है। चंद्रेखा नदी जो अपने ओरिजिनल स्वरूप में बिल्कुल नहीं है,